बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और शिमला मिर्च। और जिस तरह के रेस्टोरेंट में बनाई जाती है, होटल्स में बनाई जाती है और बहुत टेस्टी बनती है, आज हम उसी तरीके से बनाएंगे और बहुत टेस्टी बनाएंगे। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है और सारी वीडियो में मेरे साथ रहना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से मेरे लिए बहुत मोहब्बत होगी, इनाम होगा और मेरी हौसला अफजाई होगी कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ। और चले मैं आपको क्वांटिटी बताती हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको क्वांटिटी बता दूँ, यहाँ पर मैंने आधा किलो ली है शिमला मिर्च कैप्सिकम, और किलो मैंने यहाँ पर लिए हैं आलू। मैंने इन्हें वॉश करने के बाद इनको कट किया था, और ये देखें इसके मैंने बीज जो है वो रिमूव कर दिए थे, बीज हमें नहीं चाहिए होते। और इसी तरह ये आलू के मैंने पीसेस थोड़े से आम रूटीन से बड़े किए हैं। तो आपको जिस तरह अच्छा लगे, आपको लंबे आलू लगे, छोटे लगे, आप इसमें कोई इशू नहीं है, आप डाल सकते हैं। तो चलिए बाकी हम स्पाइसेस और बाकी चीज़ें हम रेसिपी में डिस्कस करते हैं बनाते हुए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने हाफ कप ऑयल का ले लिया है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे, ये देखिए मैंने प्याज काटे हुए हैं, ये एक बड़ा प्याज था जिसे मैंने काट लिया था। इस तरीके से आप इसके अंदर प्याज डालेंगे। हमने प्याज की बहुत ज्यादा रंगत चेंज नहीं करनी, बस हल्का सा हमने इसे ब्राउन करना है। प्याज हमारे यहाँ पर थोड़ा सा नरम हो गए हैं, अभी ये फ्राई होते रहेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर डाल देंगे 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, ये छोटा चम्मच है, टीस्पून का भी बहुत छोटा साइज है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हल्का सा इसे फ्राई करते हैं हम। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब हमने इसके अंदर टमाटर नहीं अभी डालने, हम इसके अंदर डालेंगे आलू। आलूओं को हम इसलिए डालेंगे कि हमें आलूओं की क्रंचीनेस चाहिए, हमें थोड़े से क्रंची आलू चाहिए। शिमला मिर्च आलू में हमें ऐसे आलू नहीं चाहिए कि बिल्कुल जो नरम हो, थोड़ा सा इनका क्रंचीपन हमें चाहिए। इसलिए हम पहले आलूओं को डाल के 2 मिनट तक फ्राई करते हैं। आलू की भुनाई करते हुए हम इसके अंदर डाल देंगे 1/2 टीस्पून जीरा भी, और 2 मिनट तक हम अच्छे तरीके से इसकी आलूओं की भुनाई करते हैं। 2 मिनट तक यहाँ पर मैंने आलूओं की अच्छे तरीके से भुनाई कर दी है ऑयल में। अब हम इसके अंदर डालते हैं टमाटर। टमाटर यहाँ पर मैं कट किया हुआ नहीं डाल रही, मैंने एक बड़े टमाटर की प्यूरी बना ली थी, तो उस प्यूरी को मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। आप कट करके भी डालना चाहें तो टमाटर इस मौके पर डाल सकते हैं। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करते हैं। यहाँ पर 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून ही फिलहाल मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक, नमक हम बाद में भी चेक कर लेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा इसे कर सकते हैं। 1 मिनट तक हमने मसालों की भुनाई भी अच्छी तरह कर ली है, मसाला हमारा अच्छी तरह भुन गया है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं शिमला मिर्च कटी हुई, 1 मिनट तक इसकी भी भुनाई करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी 1 मिनट तक भुनाई कर ली है शिमला मिर्च डालने के बाद। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं 1/2 प्याली, और इसे 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने पानी इसके अंदर शामिल किया है, और हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकने के लिए इसका ढक्कन लगा देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए सालन को। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और ढक्कन को दोबारा लगा देंगे और 5 मिनट तक और इसे पकने देते हैं। व्यूअर्स, यहां पर 10 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। चलिए अब हम देखते हैं हमारा सालन, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारा सालन पक चुका है, और बड़ी शानदार खुशबू और बहुत टेस्टफुल सालन हमारा तैयार है। अब हम इसे थोड़ा सा धनिया से गार्निश करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे इस तरीके से। चलिए अब हम इसे डिश आउट करते हैं। व्यूअर्स, हमारा शिमला मिर्च आलू का बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल सालन बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। आई होप कि आपने सारी रेसिपी को एंजॉय किया होगा, आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।